like a lot of things about him, like almost everything, but कुछ तो problems होती हैं. अच्छा अच्छा problems की तरफ जा रहे हैं. और ये तो देखे माशाल्लाह क्या बात है. आपकी वीडियो की वजह से जो है ना मुझे घर में मसले मसाइल काफी हो गए हैं. तो मेरा कहना ये है हमारे ऑफिस का काम हो रहा है तो इसलिए शॉर्टकट के लिए आई एम यूजिंग दिस इमरजेंसी एग्जिट. हाँ ये मेरी प्यारी सी बहन कोमल है, ये सुमेरा है और ये अस्मा है. अब ये आप खुद ही देखने के दोनों बहनें कौन आपस में. अच्छा ये कोमल और सुमेरा, वैसे दोनों बाल चबा बनाते हैं लेकिन ज़्यादा मेरे बाल कोमल बनाती है. और ये आप देख कोमल के हाथ की सफाई. शाबाश, क्या हाल है. वज़ीर आज़म शर्जील इनाम अहमद कहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का अमल पुराम तरीके से जारी है. मुझे इनवेलप याद नहीं रहे थे लेना तो ये मुझे अच्छे से इनवेलप नजर आया जिनमें से मैंने ये तीन लिए हैं. अब देखते हैं, देना तो एक ही है, इनमें से अब किसी एक में डाल के दे देंगे. क्योंकि पैसे देने के लिए पैसे हमें भी चाहिए तो मैं एटीएम में आ गया और यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं. चलो भाई. और ये जी हम इवेंट पे पहुंच गए हैं, साद एंड अरूप का रिसेप्शन. हाय. और जो डेकोर है दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और ये प्यारे हमारे कमल एंड जुल्कन एंड द मेंस. ये बड़े बड़े लोग आए हुए यहाँ पे. क्या बात है. चौड़े बड़े नहीं, चौड़े चौड़े लोग आए. और ये तो देखे माशाल्लाह क्या बात है. सर ये किसका सूट पहना है, कौन सा डिजाइनर है. डिजाइनर का नाम बताओ. डिजाइनर खुद ही डिजाइनर. ओ भाई खुद ही डिजाइनर. ओ क्या बात है. और किधर के हमारे हाजी साहब कहाँ पे हैं? ये देखें हाजी साहब, ये भी अभी उभरा करके आए हैं माशाल्लाह. क्या बात है माशाल्लाह. भाईजान सऊदीया में जो जाए उमरा करने वो हाजी होता है, आप टेंशन ना लें. हाँ इसको पता होगा, इसको कहेंगे लोग. आप बताएं आप ठीक हैं, क्या हाल चाल है. और ये देखें हजारों तस्वीरें खींचते एक भी नहीं देते. ओके जी, एवरीवन वाज आस्किंग कि भाई आपने सारे जोड़े से पूछ लिया कि बीवी को खुश कैसे रखना है, लेकिन इतना प्यारा जोड़ा उस दिन मौजूद था, यानी शावीर एंड आयशा एंड यू डिड नॉट आस्क देम, तो मैंने पकड़ लिया आज. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं अपनी वाइफ से पूछा था हाउ मच कैन आई बी ऑनेस्ट अबाउट दिस आंसर. हां तो इजाजत मिल गई है. बीवी को यानी आयशा को खुश रखने के लिए शाबीर क्या कहता है कि बस खुश रहे, बीवी खुश रहे. या अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज अ टू वे आंसर. ओके इट हैज टू वर्क बोथ वेज. अगर खाली आप अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश कर रहे हो और वाइफ खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है तो देयर इज गोना बी प्रॉब्लम, और आप उसको खुश चाहते हुए भी नहीं कर सकते. वेरी डीप, वेरी डीप. Very deep, bro. Thank you. That being said, I think just be her best friend that she can ever wish for. I think like communicate, baat kare. Nahi, not just communication. I think like couples usually. I'll tell you something. My very good friend Sikandar. Yeah. When I went to his wedding. और जब मेरी शादी होने वाली थी उसके एक साल बाद मेरी शादी हुई है तो मैंने उससे पूछा कि लाइक अगर तुम्हें कोई मुझे एक टिप देना हो तो क्या दोगे. तो मियां बीवी दोनों वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जस्ट बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स. एंड आई थिंक ऑनेस्टली टू कीप ईच अदर हैप्पी जस्ट बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट. हमारे कल्चर के अंदर भी ये है कि थोड़ा सा रिश्ता जो है ना मियां का ऊपर और ये और वो डोमिनेट करना चाहिए. डोमिनेशन और ये सारी चीजें. आई मीन लाइक वो अपनी जगह पे एक किस्म का ठीक है. आई अंडरस्टैंड. अच्छा ठीक है, वैसे डोमिनेट करना चाहिए कुछ जगहों पे. आई अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम. बट दैट बीइंग सेड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड. एक्चुअली हैव फन विद वन अदर. एक्चुअली वांट टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर. आई थिंक दैट्स द की. अच्छा ये तो हो गया. अब मेरा ख्याल है भाभी से ही पूछ लेते हैं, भाभी यहीं पे हैं. उस दिन तो सारे लड़के थे, मैंने लड़कों से पूछ लिया, भाभी से पूछ लेते हैं. भाभी सब झूठ कह रहा है, सब गलत है, झूठ है. अच्छा क्या अभी जो पहले आशी के बारे में बातें हुई थी वो हम नहीं करेंगे, बट आयशा से हम पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कोई बात नहीं, कुछ तो व्हाट डू यू डू लाइक टू कीप शावीर हैप्पी, या कोई ऐसी चीज के मतलब शावीर खुश रहे, शावीर को खुश करने के लिए व्हाट डू यू डू, कुछ भी What do you do?
ओके जी अल्लाह हाफिज़। ओके ये बता देंगे व्हाट डू यू लव अबाउट शावीर या शावीर जो आपके लिए करते हैं जो इन्होंने चीजें बोली कि ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए तो व्हाट्स द थिंग यू लव अबाउट शावीर। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। ये तो हर रिश्ते में होता है। आई हैव फ्रेंड्स जो भी जिनकी अभी शादी हुई है बट या She was saying that she is confused. अच्छा दोबारा से बोलो। नहीं अच्छा 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 उसने पूछा what's that what is your favorite thing about me? Yeah. ये बता। I think he's very nice to everyone, not just me. Yeah. Just the way he is, like as a person, he's very genuine. He has a heart of gold. Okay, I think he is actually very nice to everyone. मैं अपनी बातें तो चलो बताऊँ मेरे लिए he does a lot, but he as a person is very nice. I think Shavir must be very busy अपने काम को लेके तो इस बारे में कभी कोई हुआ है इशू शावीर के टाइम मैनेज करना नहीं? I think I was usually if you think about it like people from the industry usually have a very big problem of getting married to people outside of the industry क्योंकि life इतनी ज़्यादा drastic change होती है और लोगों को समझ नहीं आती कि इस सारी चीज़ को मैनेज कैसे करना but with Aisha I've been very very lucky I think Aisha understands me completely everything everything we like giving each other space at times yeah I think it's needed yeah and I think this is the key it is the key yeah okay thank you so much both of you you look great both of you ले जी काफ़ी आई थिंक आपको मशवरे मिल गए सजेशंस मिल गए और डकी को भी मिल गया क्योंकि फर्स्ट वन वाज अबाउट डकी। अस्सलाम वालेकुम ये डिचर किधर गई? हाँ मुझे बहुत अरसे बाद शादी में मिली है बारात वाले दिन और आए नजर आप इधर आपकी कब है शादी वैसे बाय द वे? जब कोई अच्छा लड़का मिलता है। अभी यहाँ पे कोई नजर आया है आज? अच्छा तो कोई नहीं नजर आया। कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा रिदा को लेकिन हम आप भी ढूंढे आप ही ढूंढे हम ही ढूंढते हैं। And finally, this is me with Ducky and Arub. MashaAllah, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये भाईजान सर कैसे आज तबीयत ठीक है आपकी? मुझे लगा है कोई थोड़ा सा उधर से मुंह दिखाइएगा जरा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। आपकी वीडियो की वजह से जो है ना मुझे घर में मसले मसाइल काफी हो गए हैं। तो मेरा कहना ये है भाभी ने मुझे लगता है कि देख लिए उसके सामने देखी थी ना मेरे वीडियो निकाल मुझे क्या कह रहे थे नहीं यार उनका हक है उनको देना चाहिए। देखिए हम कमाते ही क्यों हैं मेन बात ये है कि हम कमा क्यों कमा क्यों रहे हैं उन्हीं के लिए तो कमाते हैं। सही बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कभी भी ये नहीं था पैसा लगाए तो खुश रहेंगे नहीं नहीं बीवियाँ बहुत अच्छी हैं। देखें यार ये यमन जाने की बातें कर रहे हैं लेकिन हम इनको रोकेंगे इनको नहीं जाए। बता रही कॉन्सेप्ट आपको कि बारात के बाद वलीमा क्यों होता है? शेंडी होती है शेंडी के अंदर ये होता है कि मेहंदी और बारात इकट्ठी होती है। सही है लेकिन बारात और वलीमा इकट्ठा नहीं होता। ठीक है नहीं हो सकता। अच्छा ले वो जो जो भी होते हैं वो उसमें हम इतनी गहराई में नहीं जाते। देखे भाई आजकल किसकी बजा रहे हो बताओ ना कि ये लड़के ऐसे करते हैं क्या करते हैं कौन सी गलत बातें करते हैं थोड़ी सी बता दो आज हमें। यार ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये साइड पे खड़े होकर गाड़ी दिखाते हैं ये गाड़ी। अच्छा इस पे वीडियो आएगी? हाँ इस पे वीडियो आएगी। अच्छा आ चुकी दोबारा आएगी। ओए लड़कों के पाउट्स लड़कों के ऐसे करके ना ऐसे लॉग यू यार मैंने इस सीजन में नहीं मैं अगर तीन दिन की बात करूँ तो तीन शादियां तो कर लिया तीन दिन। आपको खुद शर्म नहीं आ रही? क्या 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 कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बात कर दे हो मैं कर लो। अच्छा अच्छा वेटिंग हमने डांस करना यार। यार मेरी जान भाई डांस तो ऐसे करने हैं ना कि मैं कहता हूँ तबैया फेर देनी है सर जी। डीजे मैंने बंद करवा है मैंने बंद करा डीजे मैंने कहा ये शरीयत के खिलाफ है। हाँ ओए 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 अच्छा यहाँ भी ये चल रहा है यहाँ भी चल रहा है बेटे तू फिक्र ना कर तेनू भी नचवा लांगा अपने ब्याह पे तू जिन्ना मर्जी मजहबी हो जा। यार ये बड़ा कमाल कर रहा है। ओके जी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे एंड दिस वाज द वेडिंग वलीमा हो गया अब कोई इवेंट नहीं होगा आगे
and yeah, see you guys soon. Allah Hafiz.